नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान रशीद राहिल आपकी खदमत में हाजिर प्रोग्राम गवाह ताबान लेकर। आज जिस गवाह के साथ हम बात कर रहे हैं वो न सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम बल्कि एक अदाकार भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स में तब इन्होंने काम किया जब रेडियो और टेलीविज़न बहुत ही कम लोग देखा करते थे। लेकिन बशीर बदर साहब का नाम हर ज़बान पे उन दिनों था जब हज़ार दास्तान में इन्होंने नबीर पादशाह का रोल किया। बशीर साहब, हमारे स्टेडियो में आपका खैर मकदम। थैंक यू सर। नाज़रीन, इससे पहले कि हम बशीर साहब से बात करें, पहले ये तिजारती वक्फा। होम इंटीरियर्स राजबाग श्रीनगर, अगर आप अपने घरों की खूबसूरती और कमरों की सजावट चाहते हैं तो तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स मेन रोड राजबाग रेडियो कॉलोनी श्रीनगर। यहाँ आपके लिए लेमिनेटेड वुडन फ्लोर, ऑस्ट्रेलियन वुडन फ्लोर, फुल पैनलिंग, पीवीसी पैनलिंग, इम्पोर्टेड वॉलपेपर, वर्टिकल और वेंटिलेशन बिल्डर्स, प्लाईबोर्ड और भी बहुत कुछ रियाजी दाम पर दस्तियाब है। तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स राजबाग श्रीनगर। मजीद तफसीलात के लिए 7780966461 और 9622615585 पर रब्ता कायम करें। होम इंटीरियर्स राजबाग श्रीनगर। नाज़रीन, आपका खैर मकदम। बशीर साहब, हमें बताइए कि आप एक ड्रामा आर्टिस्ट बने, आपने मुलाजमत की और वो भी वर्दी पहनकर। मुझे बताइए आप कहाँ के रहने वाले हो और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं बहुत कॉमन है, उसका जवाब सही ये है कि मैं फतेह कदल से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद हमारी कुछ एफिलिएशन पंडित लोगों के साथ रही है, तो उनके पास काफ़ी क्रिएटिव माइंड था जिसकी वजह से उनकी एफिलिएशन से मैं वाबस्ता रहा। उसके बाद उन लोगों ने मुझे अपने थिएटर्स में काम करने दिया है। इसी दौरान मैं रेडियो में थोड़े सी काम के लिए जा रहा था कि वहाँ पर उस वक्त इतनी भीड़ नहीं होती थी, आर्टिस्टों की बहुत कमी थी, तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के प्रोग्रामों में और कभी कभी ड्रामों में भी रोल दिया करते थे। लेकिन उसके बाद 73 में एक टर्निंग पॉइंट हुआ है कि दूरदर्शन यहाँ पर शुरू हुआ है। मुझे पूरी तरीके से याद है कि मिस्टर आई के गुजराल साहब उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो यहाँ से मैंने ऑडिशन पास किया है। तो उसके बाद मिस्टर अशोक जेलखानी की सरबराई में जो ड्रामा प्रोड्यूस हुआ है वो था सो आओ, मेरा पहला। उससे पहले भी मैंने दो तीन किए थे लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑफिशियली कुछ डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से मेरी ऑडिशन सक्सेसफुल, सर्टिफिकेट रुक गई। तो यहाँ से मैं स्कूल 11 के साथ वाबस्ता था एक सॉकर प्लेयर की हैसियत से। तो इसी दौरान हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने हमारे खेल को काफ़ी सराहा, तो उसके बाद हमारे एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे जो उस वक्त फूड सप्लाईज के बहुत बड़े ऑफिसर रह चुके हैं और टीम की ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं के हाथ में थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि आप हमें एक ट्रायल दे दीजिए ताकि हम जानना चाहते हैं कि आप खेलते हो कि नहीं खेलते। उसके बाद मॉर्निंग में उन्होंने हमारी ट्रायल ली तो वहाँ से मैंने दो गोल स्कोर्स किए हैं। मैं स्ट्राइकर्स खेल रहा था, फॉरवर्ड लाइन में स्ट्राइकर। तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे अपॉइंट किया है एज अ डेलीवेजर दो महीने के बाद। किस डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया था जी? मैं फूड सप्लाईज उस वक्त, आजकल सिविल सप्लाईज उसका नाम है, लेकिन उन दिनों फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट। तो काफी मशहूर टीम थी तो हम लोगों को बड़ों से बहुत सबक मिलता था कि फूड एंड सप्लाईज काफी, तो हम काफी खुश हुए हैं। लेकिन ये खुशी उस वक्त थोड़ा सा पेनफुल हो गई है जब उन लोगों ने मुझे सीनियर टीम में जगह नहीं दी। मुझे बाजाबता तौर उस वक्त दूसरे ऑर्गेनाइज जो बने थे बद्रुद्दीन अशाई वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दी किसी को दिखाने के लिए, तो उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि ये एक अच्छा खासा खिलाड़ी है, खेलने वाला है, टैलेंट है। बिल्कुल, मेरे पास वो सर्टिफिकेट है। लेकिन फिर आगे आपको जाने का मौका नहीं मिला, यानी स्टेट लेवल पे या स्टेट से बाहर आपने खेला है कभी? नहीं सर, उसमें यही चीज है कि टीम मैनेजमेंट जो थी वो काफी ट्राइबल माइंड थी,
वो सोचती बहुत तंग मिजाज के तौर पर और करती थी बहुत शान शौकत से, तो इस वजह से मैं एक विक्टिम हो गया उसमें। खैर उसके बाद मैंने दूरदर्शन में सब कताकला माफ, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, ये मैं जानना चाहता हूँ उन दिनों जब आप फुटबॉल खेला करते थे और 70s की जब आप बात कर रहे थे, यहाँ कश्मीर में इतनी माली तौर कमज़ोरी थी कि लोगों के पास जूते नहीं हुआ करते थे, अक्सर नायलन चप्पल पहना करते थे या ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक बूट। जब आप उस वक़्त इंटर कॉलेज में खेलते थे तो आप कहाँ से जूते वगैरह लाते थे और उसके लिए आपका क्या सिस्टम था? मैंने पहले ही क्या कह दिया कि मुझे पंडितों ने काफ़ी काफ़ी गाइडलाइन दिए हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी इम्प्रूव कर चुका हूँ, जॉइंटली नहीं है इंडिविजुअली। लेकिन उसके बाद जो हुआ है तो उनके पास काफ़ी ड्रेस कॉन्शियस था, वो कपड़े पहनने में काफ़ी माहिर थे, कल्चर में माहिर थे, ज़ुबान में माहिर थे, तो उनकी वजह से कभी कभी मुझे उन लोगों से सपोर्ट मिलकर हमें भी कुछ अपने ड्रेसेस में देते थे, तो हमारे लिए भी वो ड्रेस एक अच्छा साबित हुआ है। लेकिन अपने वसाइल नहीं थे, वसाइल एक गरीब घर के लोग कहाँ से वसाइल लाएंगे, उसके लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो तब अब ये टैलेंट की वजह से हम थोड़ा ऑफिशियल बन गए हैं, ये मेहरबानी है उस वक्त की गवर्नमेंट की, शायद कांग्रेस की थी, तो उन लोगों ने मुझे नौकरी दी, यहाँ जॉब दिया है। उसके बाद एक लॉन्ग प्रैक्टिस शुरू हो गई है, लेकिन मेरे लिए चांसेस बहुत कम बन गए हैं। वैसे तो एक खिलाड़ी, आपको सरकारी नौकरी मिली, क्या उसके बाद भी आप दूरदर्शन या रेडियो से वाबस्ता रहे या फिल्म? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने काफ़ी दूरदर्शन रेडियोज में ड्रामेज किए हैं और सीरियल्स भी किए हैं। शायद मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि मेरा पहला सीरियल जो था वो अंडर सेक्रेटरी था, मिस्टर जेल खानी, 6 एपिसोड थे उसमें। उसके बाद पोशा आपुस जो बशीर बड़गामी साहब ने किया, उसके बाद शबरंग जो मिस्टर फारूक नाज़की साहब ने किया है, उसके बाद हज़ार दास्तान जो काफ़ी एक फोक सीरियल था जिसमें ज़बान की डिफरेंस थी, बोलने का अंदाज भी, उसमें बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, लेकिन मेरे कैरेक्टर में उसमें ख्याल 81 में हजार दास्तान शुरू हुआ। उसके बाद हालात की वजह से उसके फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसके बाद 87 में फिर से शुरू हो गया। मुझे याद है कि 87 में जब ये दोबारा शुरू हो गया तो उसमें आपने एक पार्ट प्ले किया था एज नबीर पाचा। नबीर पाचा, हाँ, तो कश्मीरी में आपको नबीर तीन कहते थे। मुझे ये बताइए कि उन दिनों जब रेडियो टेलीविजन का चलन था, लोग बड़ा खुश होते थे जब किसी अदाकार को सड़क पर देखते थे, जब आप अपने इलाके से गुजर रहे थे या जान पहचान के इलाके, क्या कहीं आपको लगता था कि ये फलानी है, या लोग बातें करते थे आपसे, या कहीं आपको पूछा जाता था जनाब आप टीवी में, हमने देखा है आपको टीवी में? सर आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग भी बिलीव नहीं करेंगे, मैं कई दफा बाल बाल बच गया क्योंकि लोगों में पैशन था। अगर सीरियल मशहूर हुआ है तो उसके साथ कैरेक्टर भी मशहूर हुआ है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। एक लोकल रहने वाला लोग जो हमेशा लोगों के साथ हैं, तो उन लोगों ने कई दफ़ा मुझ पर इस तरह से घेरा किया है कि मेरी हालत काफ़ी मुश्किल हो गई है। एक दफ़ा ईदगाह में मैं फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा तो वहाँ भी हो गई, एक दफ़ा मैं स्टेज के लिए बारामूला गया तो वहाँ पर यानी इर्द गिर्द सैकड़ों लोग जमा होते थे कि औरतों ने मुझे पीछे पीछे, जिसे हम कश्मीरी में वनून कहते हैं, वो निकल के गए हैं। मुझे काफ़ी दिक्कत हुई है क्योंकि एक शर्मीले हयादार घर से ताल्लुक रखता है, तो उस वक्त मुझे काफ़ी जैनिक कौफत उठानी पड़ी, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बशीर साहब ये फ़क्र भी महसूस होता था कि लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे टीवी के वसासत से पहचानते हैं, ये कहीं आपके दिल में ऐसा कुछ था? असल में एक चीज़ है, मैं यहाँ पर ये नेशनल थिएटर बड़गाम है उसमें 24 घंटे में एक एज अ स्टेज आर्टिस्ट काम करता था। इसके अलावा मेरी एसोसिएशन थी अरविंद म्यूजिक इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर विजय मल्ला साहब एक सिंगर थे, उनके साथ मैं वोकल सीख रहा था। हाँ, तो वोकल उसके बाद चूंकि आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है कि मैनेज करना है,
तो हमने उस वक्त कम ध्यान दिया है वोकल पर। फिर मैं ये कामेश्वर एक थिएटर क्लब था जिसके डायरेक्टर उस वक्त मिस्टर रतन मिस्त्री है क्या, काफ़ी बहुत अच्छे था वहाँ पर। मैंने अब शुरू ही किया था कि उसके बाद वो क्लब काफ़ी वीक हुआ है फाइनेंशियली, तो उसके बाद मैंने नेशनल थिएटर ज्वाइन किया है जो खाली इंडियन पब्लिसिटी के साथ काम करता था, तो वहाँ पर काफ़ी फाइनेंशियली उनको एड मिलता था। तो वहाँ पर रात दिन हमें काम करना पड़ता था गाँव में, विलेजेस में, पहाड़ों में। तो पहाड़ जो है तो वहाँ पर इतना दिक्कत होती थी कि सर्दियों में जाना वहाँ मुश्किल होता था, लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव भी थे और रहम दिल भी थे। वो हमें काफ़ी गर्मी के लिए चीज़ें देते थे, कंबल सोने के लिए, तो ये चीज़ें एक कंटिन्यू। बशीर साहब, उस वक्त क्या फीस आपको मिल रहा था रेडियो पे, या जो बाद में आप दिल्ली गए या बाहर जो नेशनल उसके साथ जुड़ गए, वहाँ कितना फीस था और यहाँ कितना फीस? देखिए सर, स्टार्ट मैंने 30 रुपये से किया है यहाँ रेडियो में, उसके बाद यहाँ भी 50 रुपये में हुआ है दूरदर्शन में, उसके बाद ट्रायल वहाँ पर जो सक्सेसफुल आर्टिस्ट हुआ था उसके लिए ट्रायल कंप्लीट करना ज़रूरी था। 3 ट्रायल्स में अगर ड्यूटी ऑफिसर ने आपको अच्छी रिमार्क्स दिए तो आपको 75 में क्वालिफाई करते थे। आप 75 में क्वालिफाई किए पहले? हाँ, पहले हम 3 ट्रायल्स देते थे, उसके बाद वो क्वालिफाई करके हमें 75 होता था, फिर 100, फिर जब 90 हुआ है तो उस वक्त मैंने लास्ट प्ले किया था कोल साहब का फरियाद, जिसमें एक मिस्टर बशीर दादा भी काम करते थे, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं है 30 साल तक। अच्छा, जो बाहर आप गए थे तो वहाँ कितना रेस्पेक्ट और काम करने का तरीका? वहाँ पर दूरदर्शन वालों ने काफ़ी रेस्पेक्ट दिया, जो बाहर के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मुझे चांसेस देने के लिए काफ़ी, एक फिल्म मैंने की है जो स्कूल ऑफ सिनेमा है यहाँ नोएडा में, उसमें एक ताऊ का रोल किया है मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर, तो वहाँ पर वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो उन लोगों ने वहाँ पर उस फिल्म के साथ मेरी अच्छी शुरुआत। बशीर बदर साहब, क्या आपको लगता है कि जो पहले ज़माने में आर्टिस्ट हुआ करते थे वो शौक से काम करते थे और पैसों के लिए नहीं करते थे, इसके बरक्स जो आज का दौर है, आज के आर्टिस्ट इतने उनको वहाँ से रोज़गार सही ढंग से नहीं मिलते हैं, वो उस आर्ट को छोड़ देते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं? देखिए सर, जो ये आर्ट है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोकल होते हैं। लोकल लोग इसलिए हैं कि उनके पास एक पैशन होता है, एक टारगेट होता है, एक लोगों को दिखाने का एक जुनून होता है। लेकिन अगर आप बुरा ना माने लोग, ये कोई गलत बात नहीं है पॉलिटिकल होना, लेकिन इसमें पीछे से पॉलिटिकल लोग आ गए जिन्होंने एक ग्रुप सिस्टम शुरू किया, जिसकी वजह से ये आर्टिस्ट लोग जो काफी महारत रखते थे कमजोर हो गए, बहुत ही कमजोर है, उनको चांस भी नहीं मिलता था, तो उस वजह से थिएटर काफी इंटरेस्टिंग था और उसमें काम करने के लिए एक इंसान को काफी एनकरेज होता था। जब आप ऑडियंस के सामने बात करते हैं तो वो सामने महसूस करते थे कि हम कोई काम करते थे। नाज़रीन, ये थे बशीर बदर साहब जो 1970 में बहैसियत आर्टिस्ट रहे हैं और इन्होंने बहुत काम किया है और अब भी शौक है, अभी भी बहैसियत फुटबॉलर ये खेलते हैं। तो दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। नाज़रीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।